ऑनलाइन ईसीएम कोर्स में ईसीएम के कई सेक्शन को हम कवर करते हैं, चाहे वो सप्लाई सेक्शन हो, इंजेक्टर सेक्शन हो, सीपीयू सेक्शन हो, तमाम सेक्शन हो। कोर्स में जिन ईसीएम को लिया है वो 1785, 1639, ERO3, J10, J20 और N2 ECM को लिया गया है। कॉमन रेल, ये कॉमन रेल है। इसे कॉमन रेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ गाड़ियाँ 2 सिलेंडर होती हैं, कुछ गाड़ियाँ 3 सिलेंडर होती हैं, कुछ गाड़ियाँ 4 सिलेंडर होती हैं। तो जो गाड़ी 2 सिलेंडर होगी तो उसमें 2 इंजेक्टर लगेंगे, जो 3 सिलेंडर होगी तो उसमें 3 सिलेंडर, और जो 4 सिलेंडर गाड़ी होगी उसमें 4 इंजेक्टर लगते हैं। अब वो इंजेक्टर 2 लगें या 3 लगें या 4 लगें, इन सब के लिए रेल एक ही रहेगी, सबके लिए रेल कॉमन ही रहेगी, इसीलिए इसे कॉमन रेल बोलते हैं। ठीक, अब ये रेल जो है इसको बहुत मजबूत बनाया जाता है, स्टील की बनाई जाती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जो हमारा हाई प्रेशर पंप है ये तकरीबन 2000 बार के प्रेशर से फ्यूल रेल के अंदर दाखिल करता है, भेजता है। अब कुछ गाड़ियां हैं जैसे स्विफ्ट है 1400 बार पे अधिकतम रहता है, कुछ ओल्ड गाड़ियां हैं 1200 रहती हैं, वरना वगैरह है 1600 हैं, और कुछ गाड़ियां हैं। तो अलग अलग गाड़ियों का जो अधिकतम प्रेशर होता है तो वो लगभग 2000 के आसपास है, हमारी जो कार वगैरह आती हैं। तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए इसको इतना मजबूत बनाया जाता है। क्लियर बात। दूसरी बात कि इस रेल के एक तरफ तो हमने लगाया है एक सेंसर जिसे हम कहते हैं रेल प्रेशर सेंसर, और दूसरी तरफ एक लगाया है हमारा एक्चुएटर। क्या? एक्चुएटर। ठीक, यहां एक बात क्लियर कर लें, सेंसर वो होता है जो सेंस करके ECM को इंफॉर्मेशन दे कि इस समय ये पोजीशन है, और एक्चुएटर वो है जिसको ECM ऑर्डर दे कि आपको अब ऐसा करना है, अब आपको ऐसा करना है। सेंसर से मिली इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ECM एक्चुएटर से वर्क करवाता है। बात के लिए, तो जब बंदे भाई लोग हमारे गाड़ी पर होते हैं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रेल प्रेशर सेंसर कौन सा है और एक्चुएटर PCB कौन सा है या DVR कौन सा है या रिलीफ वाल्व कौन सा है। जो दूसरी जानिब लगा होता है रेल प्रेशर सेंसर के अपोजिट साइड में, उसे प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी कहते हैं, उसे DVR भी बोलते हैं, उसे रिलीफ वाल्व भी, अलग अलग होते हैं। ठीक है, कहीं पर DVR भी हो सकता है, कहीं पर रिलीफ वाल्व भी हो सकता है, लगभग इनका काम सेम ही होता है। अब पहचान क्या है कि कौन सा DVR है या रेल प्रेशर सेंसर है? तो हमेशा रेल से एक वापसी की लाइन होती है फ्यूल टैंक के लिए, डीजल फ्यूल टैंक के लिए। ये अगर आप देखें तो ये येलो कलर में ये जो वापसी की लाइन हमारी बाया फ्यूल फिल्टर के जरिए होते हुए ये वापसी की लाइन है। अब सवाल है वापसी की लाइन क्यों है, ये लाइन क्यों है वापसी वाली? एक तो हम ऊपर से भेज रहे हैं, फिर इधर नीचे से वापस कर दे रहे हैं आप। तो वापसी की लाइन यूँ है कि अगर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है अंदर, ठीक है, तो ये डर रहता है कहीं उस प्रेशर से हमारी लाइन, ये कॉमन रेल फट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, लीक ना हो जाए। तो प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए जब ओवर प्रेशर होता है तो यहाँ पर जो वापसी वाली लाइन होती है तो उस वापसी वाली लाइन से डीजल वापस हमारा डीजल टैंक में वापस आ जाता है। अब वापस आने के लिए, प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए जो हमारी मदद करता है तो वो या तो DVR लगा होता है, हमारे स्विफ्ट गाड़ी में जो DVR लगा होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है वो। तो
DVR भी हो सकता है और ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी हो सकता है और कुछ गाड़ी में रिलीफ वाल्व भी हो सकता है। तो इसका काम क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है? ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई, जिस साइड में वापसी लाइन होगी तो वहाँ पर प्रेशर कंट्रोल वाल्व लगा होगा, और जिस साइड में वापसी नहीं होगी वहाँ पर रेल प्रेशर सेंसर होगा। राइट, रेल प्रेशर सेंसर एक सेंसर है और PCV यानी प्रेशर कंट्रोल वाल्व एक एक्चुएटर है। ठीक, प्रेशर कंट्रोल वाल्व। जो वापसी वाली लाइन है हमारी वो रेगुलेटर वाल्व के पास से होकर गुजरती है, और रेल के अंदर प्रेशर बने इसमें इसका बड़ा रोल होता है, इसमें मदद करता है, और ओवर बनता है प्रेशर तो उसको ये वापस कर देता है। किस तरीके से? रेगुलेटर वाल्व में एक पिस्टन लगा होता है। ठीक है, जब हमारा प्रेशर जो होता है कम होता है तो ECM इस रेगुलेटर वाल्व को इसको ऑर्डर देता है कि आप जो पिस्टन है अपने पिस्टन को आगे बढ़ाइए और वापसी वाली लाइन को बंद कर दीजिए, ताकि आपकी रेल के अंदर प्रेशर क्रिएट हो सके। ये बोल्ट बढ़ा देता है तो वो पिस्टन आगे बढ़ता है। ECM को ये बात रेल प्रेशर सेंसर बताता है कि रेल के अंदर प्रेशर कम है, ये बात भी ECM से कहता है, और ECM फिर कंट्रोल वाल्व से कहता है भाई आप जो है पिस्टन आगे बढ़ाइए और लाइन वापसी वाली लाइन को बंद करो ताकि रेल के अंदर प्रेशर रह सके। अब इसी तरीके से अगर प्रेशर बहुत ओवर हो गया तो फिर रेल प्रेशर सेंसर बताता है कि प्रेशर बहुत हाई है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे तो बहुत ज़्यादा है, तब उस समय ये फिर ECM जो है रेगुलेटर वाल्व से कहता है कि भाई जो अपना जो पिस्टन है उसको बिल्कुल पीछे ले लो, वापस ले लो, वोल्टेज कम कर देता है ताकि लाइन यहाँ ओपन हो जाए और वापस होने लगे और प्रेशर यहाँ मेंटेन होने लगे। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट करते समय हमारी रेल के अंदर जो प्रेशर रहना चाहिए वो तकरीबन 250 bar से लेकर 300 bar के बीच में रहना चाहिए, इतना तैयार रहना चाहिए क्रैंकिंग के समय। तो यह है कि रेल के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि एक साइड में रेल प्रेशर सेंसर, दूसरे साइड में या तो DVR होगा या प्रेशर रेगुलेटर वाल्व होगा, कुछ गाड़ी में रिलीफ वाल्व भी होगा। काम तीनों का सेम है, उनका वर्किंग का तरीका अलग अलग है कि प्रेशर का लोड होता है तो उसको पीछे कर देता है तब लाइन खुलती है। कुछ में क्या होता है, ECM जो होता है वोल्टेज से कहता है कि पिस्टन पीछे हो आगे हो, तो लेकिन सबका काम वही है कि इसके अंदर रेगुलेट करना।